हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कोई सीए फाउंडेशन का बच्चा है, उसके सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हुई और उनकी ग्रेजुएशन क्लियर हो गई, राइट। सो अब क्योंकि उनकी ग्रेजुएशन क्लियर हो गई तो आइडियली वो डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग अ सर्टेन परसेंटेज। दैट मीन्स यू कैन स्किप द सीए फाउंडेशन। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे फाउंडेशन में, अब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और अब आपको डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन लेना है, सो दैट यू कैन स्किप दी सीए फाउंडेशन, बिकॉज अब वो देने की जरूरत नहीं है, राइट। सो उसके लिए कन्वर्जन फॉर्म फिल करना होता है अपने एग्जिस्टिंग लॉग इन क्रेडेंशियल के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे आप एग्जिस्टिंग सीए फाउंडेशन के बच्चे ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद अगर वो डायरेक्ट एंट्री रूट में अपने आप को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं और आईपीसीसी के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो कैसे वो ऑनलाइन फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म, ठीक है। तो आपको आना होगा एसएसपी पोर्टल पे आईसीएआई के, और अपने जो एग्जिस्टिंग सीए फाउंडेशन के लॉग इन क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉग इन करना होगा। उसके बाद आपको आना होगा स्टूडेंट फंक्शन वाले टैब में। यहाँ पे लेफ्ट में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, देखिए यहाँ पे, ठीक है। आपको आना है सबमिटेड ऑब्लिक पेंडिंग एप्लीकेशन में। यहाँ पे आने के बाद आपका स्टूडेंट कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये एक टैब आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फिर आपकी ना डिटेल आ जाएगी ये यहाँ पे, और यहाँ पे आई आइकॉन आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इनकेस अगर आपको यहाँ पे सबमिटेड ऑब्लिक पेंडिंग एप्लीकेशन में ये वाला फॉर्म नहीं मिलता है तो आप किसी दूसरी टैब में ट्राई कर लीजिएगा कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेफ्ट में जितनी भी टैब थी। और इनकेस आपको वहाँ पे भी ये फॉर्म नहीं मिलता है तो आपको सिंपली एसएसपी पोर्टल पे एक टिकट रेज कर देना है कि आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, हाउएवर यू आर अनएबल टू फाइंड द फॉर्म फॉर कन्वर्जन, प्लीज हेल्प। तो एसएसपी पोर्टल वाले 2-3 दिन लेंगे और आपके टिकट रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्म मेरे सामने आ गया। यहाँ पे जो डिटेल्स होती है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द डिटेल तो ऑटो फिल होके ही आएंगी यहाँ पे, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड स्टूडेंट, और जो डिटेल ऑटो, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल आ गई हम यहाँ पे आपकी 10th की 12th की, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि आप रजिस्ट्रेशन किस बेसिस पे ले रहे हैं डायरेक्ट एंट्री में, राइट। या तो आप ग्रेजुएट हो गए, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, या फिर आपने इंटरमीडिएट के एग्जाम क्लियर कर लिए हैं आईसीएसई आईसीएआई का, तो भी आप डायरेक्ट एंट्री में एलिजिबल होते हैं। तो जनरल क्राइटेरिया, जनरली ग्रेजुएशन सब पे अप्लाई होता है, तो आपको ग्रेजुएशन मोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, अपनी यूनिवर्सिटी जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया उसका थर्ड ईयर का रोल नंबर, कौन सा आपका बोर्ड था, यूनिवर्सिटी क्या थी, कौन से मंथ और ईयर में आपने एग्जाम दिए थे ग्रेजुएशन के, क्या आपका रिजल्ट पास्ड है, मतलब ऑब्वियसली पास्ड डालना है आपको, और कितने आपके मार्क्स आए हैं, कितने टोटल मार्क्स थे, कितना परसेंटेज है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी अपनी मार्कशीट, या फिर जो भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिला है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। एक बार आप ये फिल कर लेंगे उसके बाद, हाँ ये वाला जो टैब था ना, ओके ये वाला टैब था इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, तो वो आपको यहाँ पे भरना है। मतलब जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई वो आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ यूजी क्वालिफिकेशन में भरनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल भर देनी है एंड देन आपको इसको, अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है वो आपको बोस ग्रुप ज्वाइन करना है विद आर्टिकल शिप, तो ये आप देख लीजिएगा, अगर एडिटेबल है तो आप, वैसे आपको आपको बोस ग्रुप ही करना चाहिए और विद आर्टिकल में येस करना चाहिए आपको। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, डेटा सेव हो गया। उसके बाद आपको अपनी फोटो सिग्नेचर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इज नॉट कंपल्सरी, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बट है तो अपलोड कर दीजिएगा, और भी आपके कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे कोई डिग्री की कॉपी, मार्कशीट वगैरह, वो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कोई वर्चुअल क्लासेज आपको लेनी है नहीं लेनी वो पूछ रहा है, फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है, फाइनेंशियल ईयर तो ऑब्वियसली दिखा रहा है। उसके बाद आपको इसने फीस दिखा देगी कि कितनी फीस आपको पे करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मेंबर जनरल लेनी है कि नहीं लेनी, मतलब आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जनरल में क्या होता है कि आपके घर पर फिर हर महीने एक जनरल, मतलब एक किताब आएगी, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। और उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा वो डालना है, एंड देन लास्ट स्टेप क्या होगा ओटीपी डालने के बाद, वो आपको फीस पेमेंट की उस टैब पे ले जाएगा, देन आपको जितनी भी आपकी फीस है 13,000, 14,000, 18,000 जो भी है वो आपको पे कर देनी है। जैसे ही आप पे करेंगे ये जो फॉर्म है ये आईसीएआई के पास अप्रूवल के लिए चले जाएगा, और आईसीएआई कुछ 2-3 दिन के बाद इसको अप्रूव कर देगा। जब ये अप्रूव होगा तो आप अपने एसएसपी पोर्टल पे आके चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे ही आपका फॉर्म अप्रूव हो गया आप इंटरमीडिएट यानी आईपीसीसी के स्टूडेंट बन जाएंगे, और एक बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपने डायरेक्ट एंट्री से आईपीसीसी में एडमिशन लिया है तो नाउ इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू डू योर आईटी ट्रेनिंग, जीएमसीएस की ट्रेनिंग एंड 9 मंथ ऑफ आर्टिकलशिप, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू सिट इन सीए आईपीसीसी एग्जाम,
राइट। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे किसी भी सोशल मीडिया के हैंडल पे मुझे पूछ सकते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय।